الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق والإثم ما اطلع عليه الناس صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم دوستو بھائیو اور بزرگو اس زندگی میں نیکی کی بنیاد پر اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور گناہ کی نحوست سے بندہ اللہ پاک سے دور ہوتا ہے اس لیے ہر فکر مند مسلمان یہ کوشش کرتا ہے کہ مجھے کسی خیر کے کام کا موقع مل جائے تو میں وہ نیکی کر لوں اور جس گناہ سے بچنے کی میں کوشش کر سکتا ہوں اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں میں اس سے اپنے آپ کو بچا لوں حدیث پاک میں آتا ہے ایک صحابی ہے حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور آپ سے عرض کی کہ مجھے گناہ اور نیکی کا فرق بتا دیں کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے دونوں میں فرق کیا ہے اب اگر دیکھا جائے تو یہ سوال ہے تو مختصر لیکن اس کا جواب کتنا تفصیلی ہونا چاہیے کہ بھئی نیکی کے اندر یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے اور گناہ کے اندر یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے لیکن اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جامع کلمات نصیب فرمائے عطا فرمائے کہ آپ کی مختصر بات میں بڑا مضمون پوشیدہ ہوتا ہے بات سمجھ میں آ جاتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس اس میں نیکی اور گناہ کو آپ نے مختصراً بند کر دیا یہ کہیں گناہ کا تو نہیں ہے نافرمانی تو نہیں ہے اللہ پاک کی اس لیے کہ ہر وقت ہر موقع پر انسان کو صحیح اور غلط کا فرق بتانے والا
गुनाह और नेकी की तमीज़ कराने वाला हर वक्त तो दस्तियाब नहीं है। अगर तो दस्तियाब हो तो इंसान पर लाजिम है, फ़र्ज़ है कि वो उस दीन को समझकर ज़िंदगी गुजारेगा, अपने जहन पर फ़ैसला नहीं करेगा। अगर किसी मामले की सूरत हाल वाज़ह न हो, समझ ना आए कि ये जो काम इस वक्त मेरे सामने है आया कर लूँ या नहीं करूँ, समझ नहीं आ रही, तो ये बंदा जब तक समझ न ले उस पर अमल न करे। लेकिन चूंकि हर वक्त ज़रूरी नहीं कि आपके पास बताने वाला आलिम दस्तियाब हो, मुफ्ती दस्तियाब हो, वो आपको फ़र्क बता सकें, इसलिए अल्लाह की मेहरबान ज़ात है। अल्लाह पाक ने हर इंसान को पैदाइशी तौर पर जो दिल दिया है, उस दिल के अंदर अल्लाह पाक ने एक कैफियत पैदा कर दी, और वो कैफियत इतनी बड़ी नेमत है कि जो इंसान के हर काम में, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, इसको एक एहसास दिलाती है। अगर नेकी का काम हो जाए तो दिल में एक सुकून और राहत की कैफियत गुजर जाती, ये दिल ठंडा होता है। लेकिन अगर वो काम कोई मशकूक है, मुश्तबे है, गुनाह का है, किसी की हक तलफी का है, चाहे ये बंदा अपने आप को कितना भी मुतमईन करे, ऊपर ऊपर से तसल्ली दे बच्चों वाली, लेकिन अंदर का ये ज़मीर इसको हिला रहा होता, बेचैन रखता है इसको कि भाई गलत हो गया, नहीं होना चाहिए। इसीलिए इस हदीस पाक में आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अलबिर्रु हुस्नुल खुल्क़। अगर तुम आसान अल्फाज में समझना चाहते हो कि नेकी क्या है, गुनाह क्या है, फरमाया नेकी तो नाम है इखलाक की दुरुस्तगी का, इखलाक दुरुस्त हो जाए। और गुनाह क्या है, फरमाया कि माहा कफी सदरिक, गुनाह ये है कि हर वो काम जिसके करने पे तुम्हारे दिल में कोई खटक पैदा हो जाए, उलझन पैदा हो जाए, और वकरहता अय्यत्तलिअ अलैहिन्नास, और तुम नापसंद करो इस बात को कि लोग तुम्हारे उस काम पर मुत्तले हो जाए। ये कैफियत अगर दिल में आ गई कि एक तो दिल में खटक पैदा हो रही है, और दूसरा यह है कि आपको ये बात भी बुरी लग रही है, नापसंद कर रहे हो कि लोग उस पर मुत्तले हो जाए, तो समझ जाए कि यह मामला इतना वाज़ह नहीं है, उससे रुक जाओ, वो गुनाह है। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ने बंदे के दिल के अंदर ये सलाहियत और ये कैफियत रखी, ये इसको एक तमीज़, एक फ़र्क करा देता है, नेकी भी गुनाह भी। इखलाक की दुरुस्तगी को नेकी कहा गया, पूरी नेकियों की तारीफ दो अल्फाज में, अलबिर्रु हुस्नुल खुल्क। नेकी ये है कि तुम्हारे इखलाक खूबसूरत हो जाए, दुरुस्त हो जाए। क्यों? इसलिए कि इखलाक का ताल्लुक इंसान की तबीयत से है। गौर कीजिएगा दोस्तों, इखलाक का ताल्लुक इंसान की तबीयत से है, और जब तबीयत के अंदर एतदाल होता है, तबीयत में जब एतदाल बैलेंस होता है, तवाजुन होता है, इस बंदे का पूरा निज़ाम सही होता है दोस्त। ये बैलेंस जब आउट हो जाए ना, बिगड़ जाए तबीयत का, तो इंसान किसी न किसी तकलीफ का शिकार हो जाता है दोस्त। इसलिए इखलाक का सिर्फ वो मतलब जो मेरे और आपके जहन में आता है कि जाहिरी तौर पे झुक जाना, या अल्फाज को नरम कर लेना, या सामने वाले से बात करते हुए चेहरे पे कुछ देर की मुस्कुराहट का ले आना,
ये इखलाक का एक पहलू है, एक हिस्सा ज़रूर है दोस्तों, लेकिन ये मुकम्मल इखलाक की तारीफ नहीं। इखलाक तबीयत इंसानी के तवाज़ुन का नाम है, इसमें बराबरी आ जाए, ये बैलेंस हो जाए। और जाहिर सी बात है कि जब इंसान की तबीयत में तवाज़ुन आएगा, बराबरी आएगी, इसका झुकाव किसी एक मखसूस चीज़ की तरफ नहीं होगा। आज आप देखें ना, सुबह उठने के बाद सबसे पहली सोच जो हमारे दिल दिमाग पर हावी होती है, कंट्रोल कर लेती है हमें, वो क्या है? सबसे ज्यादा सोच यही होती है दिल दिमाग पर कि आज के मेरे दुकान के, कारोबार के, माश के, वसूली के, अदायगी के, इसके मामलात का क्या होना। वो चीज़ इतनी गालिब है दिल दिमाग के ऊपर कि उसकी वजह से किसी भी बिस्तर से उठने वाले को ये ख्याल बड़ी मुश्किल से आएगा कि जाते हुए यार चाश भी पढ़ लेनी चाहिए, है ना, या सूरह यासीन शरीफ की तिलावत भी कर लेनी चाहिए, या घर वालों से थोड़ा सा बैठकर सुन्नत नियत से दो चार बातें मुस्कुरा कर कर लेनी चाहिए। घर से निकलते हुए मसनून तरीके से मुझे निकलना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं ना। लेकिन इंसान का झुकाव सिर्फ एक तरफ हो गया। अब जो काम शाम को होने हैं, मगरिब के बाद होने हैं, ईशा के बाद होने हैं, जिन पार्टियों से मुलाकात रात 11 बजे करनी है, उसकी सोच भी सुबह आ रही है, वो भी सुबह से परेशान कर रहे हैं। ये इस बात की वाजह दलील है दोस्तों कि तबीयत के अंदर तवाज़ुन नहीं। इस बीच में ये ख्याल तो बिल्कुल भी नहीं आया कि भाई मुझे फ़लाँ फ़लाँ के हुकूक़ का, ज़ोहर की नमाज, असर की नमाज, मस्जिद में जमात आई हुई है उनसे मुलाकात करनी है, फ़लाँ मरीज़ की आयादत करनी है, ये करना है, ये करना है, वो चीज़ें कहाँ हैं? एक चीज़ की तरफ झुकाव जा चुका है, इसका मतलब क्या हुआ कि तबीयत में तवाज़ुन नहीं, दुरुस्तगी नहीं। जब तबीयत में दुरुस्तगी नहीं तो इखलाक में भी दुरुस्तगी नहीं, और जब इखलाक में दुरुस्तगी नहीं आई तो नेकी की तारीफ मेरे वजूद में मौजूद ही नहीं। बात समझ में आ गई दोस्त? इसलिए फरमाए अलबिर्रु हुस्नुल खुल्क़, नेकी तो इखलाक की दुरुस्तगी का नाम है कि मेरे इखलाक दुरुस्त हो जाए, यानी मेरी तबीयत के अंदर, मिजाज के अंदर एक तवाज़ुन पैदा हो जाए। हर चीज़ के करने का जो वक्त है, मैं उस वक्त उसकी अदायगी की फ़िक्र अपने ऊपर गालिब करूं, जिस चीज़ का अभी वक्त नहीं आया उसको मैं मुअख्खर कर दूं। फिर फरमाया कि वल इस्मु महाक फी सदरिक, गुनाह क्या है? फरमाए गुनाह उसको कहते हैं जो तुम्हारे दिल में खटक पैदा कर दे, एक बेचैनी सी पैदा कर दे। और वकरहता अन यत्तलिअ अलैहिन्नास, तुम्हें बुरा लगे कि लोगों को तुम्हारी उस बात का पता भी चल जाए, पता भी चल जाए। आज बहुत सारे मामलात, मसाइल ऐसे हैं कि यकीनन हमें उस मौके पर उसके शरई हुक्म का इदराक और इल्म नहीं होता कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए या मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। आप अपने काम पे, शॉप पे, दुकान पे, फैक्ट्री पर बैठे हुए हैं, साथी आ गए, भाई आपसे 10 मिनट चाहिए हमें, आपने हमको टाइम दिया, आपके साथ बैठ गए, हम फलां इदारे से आए हैं और हम एक पैकेज आपके सामने रखना चाहते हैं कि हमने ये तरतीब रखी है कि अगर आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे
फिर 10 मज़ीद साथियों को आप अपने साथ लेके आएंगे तो हम आपको इस चीज़ की ख़रीदारी पर 10% देंगे, हम आपको फलां चीज़ पर 25% देंगे। अब वो सब्ज़ बाग सामने आना शुरू हो गए कि आप हैरान हो गए कि भाई ये तो बड़ी अच्छी बात लग रही है। वो जगह जहाँ जाते हुए हम सोचते हैं कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, वहाँ सिर्फ दाखिल होने के 20-25 हज़ार रुपये वहाँ का टिकट है, और अगर मैं इनकी दी हुई इस तरतीब को ले लेता हूँ तो बड़ी सहूलत हो जाएगी मुझे। अब अच्छा तो लग रहा है लेकिन दिल दिमाग में एक जंग शुरू हो गई कि पता नहीं सही भी है, ऐसा तो नहीं है कि इस मामले के बीच में, इसके पीछे, इसके बैक पर कोई सूदी मामला है, कोई मुश्तबह और कोई मशकूक मामला है, कोई ऐसी शर्त इसके अंदर मौजूद है जिसकी वजह से ये मामला वो फासिद बैक के अंदर चला जाता है, मेरे लिए दुरुस्त नहीं है। अब आपकी समझ नहीं आ रही कि इस बंदे को मैं जवाब क्या दूं, जाहिरन अच्छा लग रहा है लेकिन हकीकत के अंदर दिल एक बेचैनी की तरफ जा रहा है, दिल परेशान हो रहा है। अब ये वो कैफियत है दोस्तों, वल इस्मु माहा कफी सदरिक, गुना वो है जो तेरे दिल के अंदर एक खटका पैदा कर दे। तो बहैसियत एक मोमिन और मुसलमान के ये वो मौका होता है दोस्तों कि इसमें इंसान को फौरन फैसला नहीं करना है, कोई राय कायम नहीं करनी है। अब इसे जो आम चीज़ होती है ना, अब मिसाल के तौर पे आप में से किसी साथी को इस वक्त प्यास लग जाए, पानी की तलब हो जाए कि पानी पीना चाहिए, करीब में पानी की मशीन भी है, गिलास भी है, मैं चल के जा भी सकता हूँ, तो किसी को जाने आने में पानी पीने में कोई खटक होगा दोस्त? कोई? इसलिए कि वो काम है जो बिल्कुल वाज़ह तौर पे दुरुस्त है, जायज़ है, कोई मसला भी उसके अंदर नहीं है। लेकिन आप पानी की मशीन के पास गए और आपने गिलास भरा, आपने देखा एक ही गिलास था, आपने कहा यार वहाँ जाऊँगा शायद फिर प्यास लगे, सुबह से लग रही है, ये गिलास लाकर वो बराबर में खिड़की के जो। इसलिए मेरे अजीजों दोस्तों बुजुर्गों, आज चूंकि फितनों का दौर है, फितनों का दौर है, और सबसे ज्यादा क़यामत के करीब जो इस उम्मत का फितना है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो फितना तो उम्मती अलमालो, मेरी उम्मत का जो फितना और आजमाइश का रास्ता होगा वो माल के जरिए से होगा। हिर्स की एक दौड़ शुरू हो जाएगी, कसरत की एक दौड़ शुरू हो जाएगी, हर इंसान इस फिक्र में होगा कि मैं किसी तरीके से बढ़ा लूँ, जमा कर लूँ। अब उसके लिए दुनिया की बहुत सारी सूरतें उसके सामने आ जाएगी, लेकिन अल हलाल बय्यिनुन वल हराम बय्यिनुन व बैनहुमा मुश्तबिहातुन फमन इत्तक़ा अश्शुबहात फ़क़द इस्तबरा लिदीनिही। कितना वाज़ह तौर पे अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया, पर मैं जो दीन लेकर आया हूँ इसमें हलाल चीज़ बिल्कुल वाज़ह है, इसमें जो हराम है वो बिल्कुल वाज़ह है, लेकिन वबैनहुमा मुश्तबिहातुन, इस हलाल और हराम के माबैन एक और चीज़ भी है जिसको मुश्तबिहात कहा जाता है, जिसका हुक्म आप पर अभी वाज़ह नहीं होगा जब तक आप किसी से पूछ न लें। वो मुश्तबे उमूर होंगे, करें न करें, क्या करें? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया फमन इत्तक़ा शुबहात, जो मेरा उम्मती इन मुश्तबह चीज़ों से अपने आप को बचा लेगा, नहीं ले जाएगा उसमें पैर, फ़क़द इस्तबरा लिदीनिही, इसने अपने दीन को महफूज कर लिया, इसका दीन महफूज हो जाएगा। तो इसलिए एक मुश्तबह मामला जो मेरी समझ में नहीं आ रहा था लेकिन लग अच्छा रहा था, मुझे ज़ाहिरी तौर पे उसमें फ़ायदे और बेनिफिट्स नज़र आ रहे थे कि भाई अच्छा है, होना चाहिए, और बग़ैर पूछताछ के मैं उसमें दे धड़ाधड़ लग गया,
उसके फ़वाद और मुनाफे में हासिल कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल खूब रच बस के उससे फ़ायदा उठाया, और फिर कोई बात हुई, कोई मामला हुआ, कोई बयान सुना या कोई किताब में मसला नज़र से गुज़रा, अब कुछ परेशानी सी हुई कि पता नहीं ये है, या कोई मामला दुनिया के फंस गए, अब दाएं बाएं देख रहे हैं कि पता नहीं कुछ गलत जा रहा हूँ, क्या हो रहा है। तो अब आए, अब पूछने के लिए आए वो कि साहब ये मसला है, ये सही है या गलत है। मुफ्ती साहब ने आपसे कहा कि भाई ये तो गलत है, ये जो आपको मुनाफे और फवायद आपको दिए जा रहे हैं ये तो बिल्कुल मुश्तमे है, इसकी हैसियत और हकीकत पस मंज़र में वाज़े ही नहीं है। एक आदमी आप से 5,000 रुपये लेकर के आपको नफ़ा 10,000 का दे रहा है, तो इसके दिल में आपकी ये हमदर्दी क्यों पैदा हुई कि ये 5,000 रुपये अपनी जेब से लेके आप पे लगा रहा है। कुछ तो है जिसकी पर्दा दरी है, कोई बात तो छुपाई जा रही है, आप थोड़ा सा इस पे गौर करें। तो अब जब सूरत हाल सामने आई तो कहा कि हाँ वाकई ये चीज़ तो गलत है, लेकिन अब सवाल ये है दोस्तों कि जो 2 साल 2.5 साल वो नफ़ा मैं उठाता रहा और वो पैसे लेकर अपने कारोबार में एक रोलिंग करता रहा, वो सर्कल चलता रहा, वो सारी चीज़ें खल्त मल्त गड़मड़ हो गई, अब क्या करूं। इसीलिए फरमाया कि भाई एक मुसलमान माली मामलात के अंदर कस्बे माश के अंदर अपने आप को मुतफक्किर बनाएं, फिक्रमंद बनाएं, और जब तक एक मामला वाज़ह न हो तो उसके करने में हद दर्जा एहतियात करें, अपने आप को बचाएं, मामले को मसले को पहले इंसान समझ लें। अगर आपको लगे कि वाकई इसमें गुंजाइश है, जायज़ है, मेरे दिल में जो खटक आ रही थी ऐसी कोई बात नहीं है, मुतमईन कर दिया आपको, तो बस आप फिर तो बिला तकल्लुफ उस पर अमल कर लें। लेकिन अगर आप पूछने जाएं और आपको कहा जाए कि नहीं जी आप न करें, आप एहतियात करें या आप उससे बच जाएं, तो समझ जाएं कि ये चीज़ मेरे हक़ के अंदर बेहतर नहीं है। इसलिए कि मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, जो आज की दुनिया है इसमें आखिरत की सोच और कब्र की सोच का मरहला बहुत देर से आता है, बहुत ज़्यादा देर से आता है। ये सोचना कि भाई वो दिन भी आएगा, वो मैदान महशर भी होगा, वो तराजू भी लगेगा, वो अल्लाह की अदालत भी होगी, बंदा कहता है उस बीच में तो अभी 40 साल है ना, 30 साल तो है ना, अभी तो काफ़ी वक्त बाकी है, अभी तो एंजॉय करना है, जीना है अभी, तो बीच में वो सारी चीज़ों को पहले रखता है कि अभी तो आगाज़ है, अभी तो इब्तिदा है, अभी तो बनाना है, अभी तो घर है, अभी तो बच्चों ने बड़ा होना है, अभी उनकी शादियां हैं, अभी तो पूरी दुनिया जाके देखनी है, एंजॉय करना है, सब चीज़ें करनी है, आखिर में देख लेंगे। तो आखिरत की सोच बहुत देर से, कब्र की सोच में बहुत बड़ा फासला बन गया है दोस्त। इसलिए जो रंगीन कागज़ और ब्रोशर लेकर हमारे पास आता है हम उसको इंतहाई गहराई से पढ़ते हैं। जो चीज़ फेसबुक पे आज सामने आ जाती है किसी इदारे की, बाकी किसी चीज़ के लिए हमारे पास वक्त हो ना हो, लेकिन उन्होंने जो चीज़ें हमारे सामने रखी हैं, हमें जो सहूलियात और पैकेजेस दिए, बहुत तसल्ली से बैठ के हम उसको पढ़ रहे होते हैं कि भाई इसमें क्या कुछ मुझे मिल सकता है, रास्ता बन सकता है, हमवार हो सकता है। और अब तो उससे बढ़कर आसान चीज़ ये हो गई कि हर उल्टा सीधा करें और उस पर हलाल और इस्लामी की मोहर लगा दें, ख़त्म, के बस ये सब कुछ चल रहा है यहाँ पर। अल्लाह ने इंसान को समझ दी है, शुऊर दिया है, सलाहियत दी है, दुनिया के सारे मामलात में ये इंसान कितना तेज़ और बेदार होता है, और यहाँ आके हम बिल्कुल सादे हो जाते हैं। तो इसलिए मेरे अजीज़ों दोस्तों बुज़ुर्गों, अपने दिल के इस मरहले और इस कैफियत की हिफाजत करें, जो अल्लाह ने अंदर एक ज़मीर दिया हुआ है,
एक मुफ्ती अंदर बैठा हुआ है दोस्तों, अभी बाहर के मुफ्ती साहब से आपने पूछा नहीं, लेकिन अंदर का ये मुफ्ती आपसे कहेगा एहतियात कर ले, पहले पूछ लें, एकदम से कदम ना बढ़ाएं। इसलिए एक सहाबी आए आप अलैहिस्सलाम से पूछा, तो आपने क्या फरमाया, इस्तफ़ते कल्बक, फरमाया अगर कोई बताने वाला न मिले ना तो अपने दिल से पूछ लेना, अपने दिल से फतवा तलब कर लेना, वो तुम्हें बता देगा अंदर से। लेकिन ये अंदर की कैफियत उस वक्त तक कारामद है जब तक इंसान इसका ख्याल रखे। अगर हमने उस पर बेइंतहा ज़ोर डाल दिया, आप देखें ना, बिजली का बटन होता है, आप खोलते हैं, लाइट पंखे जल गए, बंद कर दिया, तीसरे दिन जब आप आए खुल ही नहीं रहा, ज़ोर लगा रहे हैं, भाई क्या हो गया, भाई वो उस दिन बच्चे ने इसको फलां चीज़ मार दी, इसके अंदर का स्प्रिंग टूट गया है, अब वो बटन दब नहीं रहा, या दब गया तो अब ऊपर नहीं हो रहा, हो जाता है ना, या किसी चीज़ के स्प्रिंग होते हैं, हम उसके साथ लगे हुए होते हैं, कुछ दिन बाद पता चला कि वो स्प्रिंग बेकार होगा, इसके वॉशर काम नहीं कर रहे, इसके वायर काम नहीं कर रहे, क्यों, जिस चीज़ पर इंसान हद से ज़्यादा ज़ोर डाल दे तो उसकी सलाहियत इंसान खुद ख़त्म कर देता है। दोस्त, अल्लाह ने दिल के अंदर जो कैफियत रखी है ये बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन अगर मैं उस कैफियत का मजाक उड़ाऊं और बावजूद इसके रोक टोक के और मुतवज्जे करने के मैं करता रहूं करता रहूं करता रहूं, यकीन करें उलमा ने लिखा एक वक्त ऐसा आएगा कि आज तो ये अंदर का ज़मीर मुझे मुश्तबे चीज़ पे टोक रहा है, जो चीज़ मुश्तबे है उस पर भी मुझे हिला देता है, लेकिन अगर मैंने इसको ख़राब कर दिया तो कल हराम पे भी नहीं टोकेगा, हम उसको भी बेधड़क करते हुए चले जाएंगे, इसलिए कि अब वो मशीन ख़राब हो गई, अब वो स्प्रिंग काम करना उसने छोड़ दिए। तो अल्लाह की तरफ से मिलने वाली इस अजीम नेमत की इंसान को कदर करनी चाहिए, और हम अपनी ज़िंदगी को, चाहे वो ज़िंदगी अकीदे की हो, ईमानियात की हो, आमाल की हो, इखलाक की हो, माशियात की हो, माशरत की हो, जिस शोबे ज़िंदगी से मुतालिक बात हो, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या करना चाहिए, ऐसे मौके पर इंसान को उसके अंदर कदम नहीं रखना चाहिए, रुक जाना चाहिए, और जब वो मसला मुझ पर वाज़े हो जाए, खुल जाए, और मैं मुतमईन हो जाऊँ कि करना है या मुतमईन हो जाऊँ कि नहीं करना, उसके बाद ही इंसान फैसला करे। अल्लाह करीम मुझे भी आप सबको सही अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम। وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته।